जो सामान्य निर्देश है उसके बारे में आपको भली भांति जानकारी होगी, शेड्यूल के बारे में भी आपको जानकारी होगी। आज की प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से हम लोग जिला स्पेसिफिक बात करेंगे और उसमें भी हम लोग केवल निर्वाचन के जो विषय है उसमें हम लोग बात करेंगे। तो एक छोटा प्रस्तुतिकरण हमने बनाया है, इसका जो सॉफ्ट कॉपी है आपको आपके जो ग्रुप है उसके माध्यम से प्राप्त। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जिले में 7 विधानसभा है, आपको सबसे पता है 7 विधानसभा हमारे जिले में पूर्ण रूप से है और बलौदाबाजार विधानसभा के 110 मतदान केंद्र हमारे जिले में है। और इसमें अगर हम देखते हैं तो एक जो हमारा हमारा विधानसभा है जो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, बाकी सभी जो विधानसभा है वो अनरिजर्व। हमारे पास 18,79,000 मतदाता है और जो पुरुष और महिला मतदाता का जो अनुपात है वो 990 है। तृतीलिंग के हमारे पास 291 मतदाता है और अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो लगभग 2,60,000 मतदाता, पिछले साल की तुलना में 2,60,000 ज्यादा मतदाता इस बार वोटिंग का अपना राइट का अधिकार देंगे। इसमें हम लोग अगर देखते हैं तो हमारे जिले में 1,869 मतदान केंद्र है और इसमें से शहरी जो मतदान केंद्र है वो 11, अधिकतम हमारी जो विधानसभा है शहर की है तो जो हमारे शहरी मतदान केंद्र है वो ज्यादा है कम्पेयर टू ग्रामीण मतदान केंद्र। और एक मतदान केंद्र के पीछे लगभग 1,006 मतदाता हमारा यही एवरेज है, यानी इसमें ये भी हो सकता है कि कुछ मतदान केंद्रों में इससे कम भी हो सकते हैं और कुछ मतदान केंद्रों में इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो चिन्हांकित करते हैं, हमारे यहाँ पे 6 ऐसे विधानसभा है उसमें अवनपुर को हम छोड़ देते हैं तो जो वे संवेदनशील विधानसभा माने जाएंगे। इसके बारे में मैंने बता दिया है, लगभग हमारे पास 18,79,000 मतदाता इस बार वोट करेंगे और इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो 18 साल के जो मतदाता है जो पहली बार जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हुआ है ऐसे 45,000 मतदाता हमारे पूरे जिले में है। और जो 22 साल से, क्योंकि 2018 में लास्ट चुनाव हुआ था उसके बाद अभी ये चुनाव होने जा रहा है तो लगभग 1,10,000 ऐसे मतदाता है जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे सामान्य निर्वाचन। जैसे मैंने कहा कि 990 हमारे अनुपात है महिला और पुरुष मतदाताओं का। अगर हम लोग देखते हैं तो इस बार जो जो विशेष फोकस हमने किया है कि बहुत, क्योंकि पिछले 2018 के चुनाव में हम लोग अगर देखते हैं तो हमारे पास महिला मतदाताओं का जो पंजीकरण था वो बहुत कम था, 961 तक, तो इस बार विशेष फोकस रखा है और अभी मतलब महिला मतदाताओं का जो पंजीकरण है 990 तक हमारा पहुंच गया है। ये मतदान केंद्रों की सामान्य जानकारी है जिसके बारे में मैंने बता दिया है। उसमें विशेष रूप से मैं बताना चाहूंगा कि इस बार जितने भी हमारे मतदान केंद्र है उसके 50% मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग होगा, यानी हमारे पास 934 यानी 1869 में से 934 मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग होगा, यानी इन सभी मतदान केंद्रों का सीसीटीवी मॉनिटरिंग होगा और जिसका कंट्रोल जिला कार्यालय में, राज्य कार्यालय में और बियॉन्ड भारत निर्वाचन आयोग के कार्यालय में भी होगा। यानी हमारे पास जितने मतदान केंद्र होंगे उसके उससे 50% मतदान केंद्र सीसीटीवी सर्वेलेंस में होंगे। इस बार संगवारी मतदान केंद्र जो मतदान केंद्र जिसमें पूर्ण रूप से महिला मतदान दल होंगे, महिला पुलिस होंगी, ऐसे 72 मतदान केंद्र होंगे। और इस बार जो यंग जो जो सेवा में बहुत कम आयु में आते हैं उन युवाओं के माध्यम से हम लोग कुछ मतदान केंद्रों का संचालन करेंगे, ऐसे 7 मतदान केंद्र होंगे। और जो दिव्यांग कर्मी जो हमारे मतदान दल में पूर्ण रूप से सभी लोग उसमें दिव्यांग कर्मी होते हैं, ऐसे 7 मतदान केंद्र होंगे और आदर्श मतदान केंद्र 7 होंगे। नेक्स्ट, ये सभी मतदान केंद्रों में जो सुविधा दी जाने वाली है उसकी जानकारी है। जिले में पर्याप्त संख्या में अभी ईवीएम उपलब्ध है, लगभग 125% से भी ऊपर मतदान हमारे पास ईवीएम उपलब्ध है। नेक्स्ट, जो हमारे चेक पोस्ट बनेंगे जिसके माध्यम से निगरानी होगी, ऐसे 69 जो स्टैटिक टीम्स बनेंगी और 69 ऐसे हमारे फ्लाइंग स्क्वाड रहेंगे और स्टैटिक टीम हमारी 24 रहेगी जिसमें
72 टीम्स बनेंगी जो एक जगह पे रहेंगे, जिनके पीछे जो नाकों की घेराबंदी करेंगे। ये चुनाव के कार्यक्रम के बारे में आपको जानकारी है। इसमें मैं बता देना चाहूंगा कि सभी जो जो फॉर्म्स है वो सभी नामांकन के जो फॉर्म्स है वो कलेक्टर परिसर में लिए जाएंगे 7 विधानसभा के। और नेक्स्ट ये हमारे रिटर्निंग ऑफिसर जो रहेंगे उनकी जानकारी है, तो कौन से कक्ष में उपलब्ध रहेंगे उसकी जानकारी, इसका सॉफ्ट कॉपी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपको सभी को प्राप्त होगा। मैं अभी उसके साथ भी उपस्थित है, मैं आप चाहूंगा कि वो आपको सुरक्षा व्यवस्था के बारे में अवगत करें।